हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शमशाद शेख और आज आपको ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल एंड फायदेमंद है। मुझे अच्छे कैमरे फ़ोन की ज़रूरत थी फ्रेंड, जो 20 से 25 हज़ार के रेंज में आ रहा था, बट वही फ़ोन मुझे सेकेंड हैंड पे इंटरनेट पे मुझे 8 से 10 हज़ार के बीच में मिल रहा था। फ्रेंड, जो मैंने फ़ोन इंटरनेट पे देखा था तो मैं उससे मिलने चले गया, तो मैंने कहीं ऐसा देखा या सुना था कि सेकेंड हैंड फ़ोन लेने से पहले IMEI नंबर गूगल पर डालकर सर्च करें। मैं आपको IMEI नंबर के बारे में बताता हूँ। जो IMEI एक 15 डिजिट का कोड होता है, यूनिक कोड होता है, जो हर एक फ़ोन में अलग अलग होता है। किसी भी फ़ोन का IMEI नंबर चेक करना बहुत ही आसान होता है। आपको जस्ट *#06# आपको टाइप करना है और सर्च करना है, और उसके बाद उस पर डिस्प्ले पे उसका IMEI नंबर आपको दिख जाएगा। फ्रेंड, जो IMEI नंबर डिस्प्ले पे आया, मैंने वो गूगल पे डाल के सर्च किया तो तुरंत मुझे पता चला कि वो फ़ोन ग्लोबली ब्लैकलिस्टेड था, वो फ़ोन चोरी का था। मैंने तुरंत रियल ओनर को कॉल कर दिया और उनको बता दिया कि कोई इंटरनेट पे आपका फ़ोन सेल कर रहा है। फ्रेंड, मुझे रियल ओनर से ये पता चला कि वो फ़ोन चोरी का था। फाइनली मैंने फिर वो फ़ोन लीगली तरीके से, मैंने फ्रेंड बच गया। इसमें मेरा ही नुकसान होता था, मैं लॉस का फ़ोन, चोरी का फ़ोन खरीदता और मेरे को पैसा भी मेरा जाता, प्लस मुझे पुलिस पकड़ के लेके जाती। सजेस्ट ये करता हूँ कि कोई भी सेकेंड हैंड फ़ोन लेने से पहले उसका IMEI नंबर गूगल पर डालकर ज़रूर सर्च करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फैमिली मेम्बर में और आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी इस मुसीबत से ना फंसे। में दिया हुआ है फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू लेटर।